हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो आज हम करने वाले हैं मारवाड़ के शासकों के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन वन है, राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में किसने राठौड़ों को ब्राह्मण भल्ले राव की संतान कहा? राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में किसने राठौड़ों को ब्राह्मण भल्ले राव की संतान कहा? तो सही आंसर है दयाल दास ने। दयाल दास ने कहा कि राठौड़ जो है वो ब्राह्मण भल्लेराव की संतान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन टू, राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राठौड़ जो है वो कन्नौज से आने वाली शाखा है और राठौड़ सूर्यवंशी है। ठीक है, ये कहने वाले हैं कर्नल जेम्स टॉड कि राठौड़ जो है वो कन्नौज से आने वाली एक शाखा है और यह सूर्यवंशी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, सबसे पहले किसने गुर्जर प्रतिहारों को हराकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? तो आंसर है राव शिहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, मंडोर को सबसे पहले किस राठौड़ राजा ने अपनी राजधानी बनाया? मंडोर को सबसे पहले किस राठौड़ राजा ने अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही आंसर है राव चूंडा ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो यह करवाया था राव चूंडा की रानी चांद कंवर ने। ठीक है, तो इनके नाम से ही चांद बावड़ी नाम रखा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, राव रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? राव रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह जो है वह किसके साथ हुआ था? तो हम जानते हैं कि मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ हुआ था हंसाबाई का विवाह, जिनसे जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था मोकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, जोधपुर नगर किसने बसाया? जोधपुर नगर बसाया राव जोधा ने। तो याद रहेगा बीकानेर राव बीका ने और जोधपुर नगर राव जोधा ने बसाया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट, जोधपुर नगर कब बसाया गया? जोधपुर नगर कब बसाया गया? तो 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया गया राव जोधा के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, जोधपुर को सबसे पहले किसने अपनी राजधानी बनाया? तो राजधानी जो है वो राव जोधा ने ही बनाया। जोधपुर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया राव जोधा ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन, राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह जो है किसके साथ किया था? तो राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वह किया था राव कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। तो यह आवल बावल की जो संधि है, तो ये आपको पता है, राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वह राव कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 1532 ईस्वी में राव मालदेव ने बहादुर शाह के आक्रमण से किसकी सहायता की थी? तो राव मालदेव ने राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी, बहादुर शाह के आक्रमण से बचाया था उनको। ठीक है, तो राव मालदेव ने 1532 ईस्वी में राणा विक्रमादित्य की सहायता बहादुर शाह के आक्रमण से की थी। इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राव मालदेव की रानी उमादेव, जो कि रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, राव मालदेव से रूठकर रूठी रानी कहाँ चली गई थी? राव मालदेव से रूठकर रूठी रानी जो है वो कहाँ रहने चली गई थी? तो वे अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है, ठीक है, वहां चली गई थी। तो बूंदी के तारागढ़ में नहीं, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रूठी रानी चली गई थी राव मालदेव से रूठकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, राव मालदेव ने किन किन राज्यों पर अधिकार कर अपने कब्जे में लिया था? तो राव मालदेव ने किन किन राज्यों को अपने अधिकार में लिया था? मेड़ता के शासक वीरमदेव और बीकानेर के राव जैतसी, इनके राज्यों पर अपना अधिकार किया था राव मालदेव ने। क्वेश्चन 15 है, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो कई बार हम देख चुके हैं कि गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में।
यह 1544 ईस्वी में यह युद्ध जो है वो होता है, कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जैता और कूपा वीर किसके सेनापति थे? तो ये राव मालदेव के ही सेनापति थे, जैता और कूपा। राव चंद्रसेन के समय अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजकर मारवाड़ पर अधिकार किया था? राव चंद्रसेन के समय अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजकर मारवाड़ पर अधिकार किया था? तो अकबर ने भेजा था हुसैन कुली को। उसके नेतृत्व में 1564 ईस्वी में इसने मारवाड़ पर अधिकार किया था। अगला है, अकबर का जोधपुर का शासन किसे सौंपा था? अकबर ने जोधपुर का शासन किसे सौंपा था? तो ये सौंपा था बीकानेर के राय सिंह को। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सही कर लेना है आपको। अकबर ने जोधपुर का शासन बीकानेर के राय सिंह को सौंपा था। जोधपुर छोड़ने के बाद राव चंद्रसेन कहाँ से मुगलों का मुकाबला किया? जोधपुर छोड़ने के बाद राव चंद्रसेन ने मुगलों का मुकाबला कहाँ से किया? तो जोधपुर छोड़ने के बाद वो भाद्राजून गए, भाद्राजून के बाद वो शिवाना चले गए, उसके बाद वो रामपुरा पहाड़ों में चले गए, लेकिन उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, किस इतिहासकार ने राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की? तो राव चंद्रसेन की तुलना जो है महाराणा प्रताप से की डॉक्टर विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने। डॉक्टर विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने, उन्होंने कहा कि राव चंद्रसेन मारवाड़ में, उसी तरीके से मेवाड़ में महाराणा प्रताप। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, किस शासक को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही ये चीज देख ली है कि राव चंद्रसेन को ही मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 22, राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? तो हम जानते हैं इसको बहुत अच्छे से कि कभी भी स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 23, किस अवधि में मुगल प्रशासन ने मारवाड़ को खालसा घोषित किया था? तो मुगल प्रशासन ने मारवाड़ को 1581 से 1583 तक खालसा घोषित किया था। अकबर ने राव चंद्रसेन के भाई उदय सिंह को जोधपुर का शासन कब सौंपा? तो इन्होंने उदय सिंह को जोधपुर का शासन शासन 1583 ईस्वी में सौंपा था। किसने? अकबर ने। किसे? उदय सिंह को। कौन थे उदय सिंह? राव चंद्रसेन के भाई। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह किससे किया? तो मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह किया था अकबर के बेटे जहांगीर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था जगत गोसाई। जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? जगत गोसाई। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। खुर्रम शाहजहां किस रानी से उत्पन्न पुत्र था? तो शाहजहां की माँ कौन थी? मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई। ठीक है, तो मोटा राजा उदय सिंह की जो बेटी थी उनसे ही पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम था खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से जाने गए। अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से करने पर अकबर को मोटा राजा उदय सिंह को कितनी मनसबदारी दी? अपनी पुत्री का विवाह जब जहांगीर से करने पर अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कितनी मनसबदारी दी? तो उन्होंने 1000 मनसबदारी दी राजा उदय सिंह को। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, शाहजहां ने महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को राज्य अभिषेक के अवसर पर कितना जात और सवार का मनसब दिया? तो आंसर है यहाँ 4000 जात व सवार और इसके साथ राजा का खिताब, ये सब किसको दिया शाहजहां ने? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को। महाराजा जसवंत सिंह मुगलों की ओर से आगरा का प्रबंध कब सौंपा गया? महाराजा जसवंत सिंह को मुगलों की ओर से आगरा का प्रबंध कब सौंपा गया?
तो यह 1645 ईस्वी में सौंपा गया। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? मुगल उत्तराधिकार युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने साथ दिया था दारा शिकोह का। ठीक है, तो औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, औरंगजेब और दारा शिकोह में से दारा शिकोह का साथ दिया महाराजा जसवंत सिंह ने। मुहूर्त नैन्सी किस राठौड़ नरेश का शासन मंत्री था? मुहूर्त नैन्सी किस राठौड़ नरेश का शासन मंत्री था? तो आंसर है ये महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के ही शासन मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 33, मारवाड़ रे परगना री विगत ख्यात के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है मुहूर्त नैन्सी। मुहूर्त नैन्सी द्वारा जो ख्यात लिखा गया था मारवाड़ रा परगना री विगत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भाषा भूषण ग्रंथ की रचना किसने की? भाषा भूषण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है महाराजा जसवंत सिंह ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध कब भेजा था? तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को भेजा 1662 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, राव बीका ने बीकानेर नगर कब बसाया? तो राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया, वहीं राव बीका ने 1488 में बीकानेर नगर बसाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, राव बीका ने किससे विवाह कर जांगल प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत किया? तो राव बीका का जो विवाह है वह हुआ था राव सेखा की पुत्री, पुंगल के राव सेखा की पुत्री से राव बीका ने विवाह किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, बीकानेर के देशनोक का प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर किसने बनाया? तो करणी माता का मंदिर जो कि देशनोक बीकानेर में है, इसे बनाया राव पीका ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39, राव लूणकरण ने किस शासक को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है राव लूणकरण ने नागौर के शासक मोहम्मद खां को पराजित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है? तो वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें कलयुग का करण राव लूणकरण को कहा गया? तो ये कहा गया बीटू सूजा का राव जैतसीरो छंद के अंतर्गत राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया। क्वेश्चन 41 है, लूणकरण सर झील का निर्माण किसे माना जाता है? लूणकरण झील का जो निर्माता है इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया? तो इसका सही आंसर है राव लूणकरण ने अपने ही नाम से लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, किस ग्रंथ में बीकानेर के लूणकरण की तुलना दानवीर करण से की गई है? तो उस ग्रंथ का नाम है कर्मचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम। कर्मचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम, इसमें लूणकरण की तुलना दानवीर करण से की गई है। 43 क्वेश्चन है, पाहेबा जोधपुर का युद्ध कब हुआ? पाहेबा जो कि जोधपुर में है ये युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1441 ईस्वी में राव जैतसी और मालदेव के बीच में पाहोबा का युद्ध हुआ। डेट याद रखनी है इंपॉर्टेंट, 1541 ईस्वी में। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? तो सबसे पहला राठौड़ शासक, यहाँ पर राठौड़ शासक पूछा गया है, तो सबसे पहले अधीनता स्वीकार की राव कल्याणमल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेली किशन रुक्मणी री नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बेली किशन रुक्मणी री नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आंसर है पृथ्वीराज राठौड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, अकबर ने राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब बनाया था? तो इसका सही आंसर है 1572 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47, रायसिंह महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर बीकानेर के शासक कब बने? रायसिंह बीकानेर के शासक कब बने? तो आंसर है 1574 ईस्वी में। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, किस शासक ने जूनागढ़ किले के दरवाजे पर
वीर जैमल और फत्ता की मूर्ति लगवाई थी? तो इसका सही आंसर है बीकानेर के राय सिंह ने जूनागढ़ किले के दरवाजे पर वीर जैमल और फत्ता की मूर्ति लगवाई थी। अगला है 49 क्वेश्चन। मुंशी देवी प्रसाद ने किस नरेश को राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी? यहाँ क्या पूछा है कि मुंशी देवी प्रसाद ने किस नरेश को राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर है राव राय सिंह। किसको दी है? राव राय सिंह। और वहीं इससे पहले हमने बात की थी कि बीठू सूजा का जो राव जैतसीरो छंद है ग्रंथ, उसमें राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया था। ठीक है, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 50। मतीरे की राड युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसकी स्टोरी जो है वो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ रहे थे वहां अच्छे से बताई थी। तो ये युद्ध जो है वो हुआ था 1642 से 1644 तक चला था, राव करण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है चिंतामणि भट्ट ने अपने ग्रंथ सूक्ष्म सप्तशती में किसे जालंधर का बादशाह कहा? चिंतामणि भट्ट ने अपने ग्रंथ सुख सप्तशती में किसे जालंधर का बादशाह कहा? तो ये कहा राव करण सिंह को। किसे कहा? राव करण सिंह को चिंतामणि भट्ट ने अपने ग्रंथ सुख सप्तशती में जालंधर का बादशाह कहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52। साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ किसने लिखा? साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ किसने लिखा? तो ये ग्रंथ लिखा राव करण सिंह ने। किसने लिखा? राव करण सिंह ने। अगला है राव करण सिंह के दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कौन से ग्रंथ लिखे? राव करण सिंह के दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कौन से ग्रंथ लिखे? तो उन्होंने कर्णभूषण और डाकिनी, ये दोनों ग्रंथ लिखे। किसने लिखे? गंगानंद मैथिल ने। कौन थे ये? राव करण सिंह के दरबारी विद्वान थे। तो आज हमने यहां तक 53 क्वेश्चन तक किया है। अभी आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहां से ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।